हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करूँगी जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा डिलीशियस भी है। आप इसको अपने ब्रेकफास्ट या लंच किसी में भी इंक्लूड कर सकते हैं। क्रिस्पीनेस देखिए आप, इसका बहुत ही क्रिस्पी बनी है एंड जितनी ये कलरफुल है उतनी ही ज़्यादा हेल्दी भी है। आप इस प्रोटीन रिच हेल्दी रेसिपी को ईजिली बना सकते हैं 10 से 15 मिनट में एंड बच्चे भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले डो लगाएंगे। इसके लिए मैंने ये आटा लिया है, ये अजवाइन है, ये सॉल्ट एंड 1 टीस्पून ये ऑयल है। इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका ये डो लगाना है सॉफ्ट, इस तरीके से डो लगा लेंगे। आप ऑयल की जगह पर देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, और इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये ऑयल डाला है कढ़ाई में, ये मस्टर्ड सीड है, क्यूमिन सीड, जीरा, ये ग्रेटेड जिंजर एंड गार्लिक एंड ग्रीन चिली, इनको अच्छे से सॉटे कर लेंगे इस तरीके से थोड़ा सा। और यहाँ पे ये चॉप्ड अनियन डाला है मैंने, अनियन को इसी तरह लॉन्ग शेप में कट कर लेंगे। यहाँ पे ये स्पाइसेस, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये गरम मसाला मिक्स कर लेंगे। ये कोरिएंडर पाउडर है, चाट मसाला, एंड ये कुछ वेजीज मैं ऐड कर रही हूँ। ये बीट रूट है, आप वेजीज आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। ये कैरेट, इनको मैंने ग्रेट कर लिया है, कैबेज, पत्ता गोभी, जो भी आप वेजीज को यूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। ये बॉइल्ड पटेटो है जिसको मैंने मैश करके डाला है, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड ये पनीर है 150 ग्राम, इसको मैंने ग्रेट करके डाला है। पनीर प्रोटीन में बहुत रिच होता है तो ये बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। इस तरीके से मिक्स कर दिया है और यहाँ पर मैं ये सोया सॉस और चिली सॉस ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा, और ये हाफ लेमन था जिसको मैंने स्क्वीज़ कर लिया था। ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि हमको ये जो भी वेजीज हैं इनको क्रंची रखना है। एंड ये चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है, अच्छे से मिक्स करके और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। ये मैंने जो आटा गूंद के रखा था उसकी इस तरीके से छोटी छोटी बॉल ले लेंगे तरीके से। आप साइज़ एंड शेप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भी आप रखना चाहें इस तरीके से। और इसी में स्टफिंग डाल देंगे। और इसको
अच्छे से बंद कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से बंद करना है। इस तरीके से बन गया है। और अभी थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे इसको बस। और यहाँ पर मैं इसको सेलो फ्राई करूँगी, आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। और अगर आप ऑयल बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसको अवन में बेक कर सकते हैं। इस तरीके से डाल दिया है, साइज छोटा बड़ा जो जैसा भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। तरीके से और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे नहीं तो ये जल जाएगा और क्रंची नहीं होगा। इस तरीके से इसको दोनों तरफ ऐसे पलट पलट के सेंक लेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसी तरीके से आपको सेंकना है। और अभी हम इसको निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पे। ये देखिए मैंने इस तरीके से इस टिश्यू पेपर पे इसको डाला है जिससे कि जो भी इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। इस तरीके से एंड लीजिए, आपका हेल्दी एंड टेस्टी ब्रेकफास्ट तैयार है। इंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।